इस कार्यक्रम का मकसद महात्मा गांधी की हत्या और हत्यारों से जुड़ी मानसिकता को दर्शाना है। एबीपी न्यूज महात्मा गांधी के हत्यारों की सोच का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। कार्यक्रम पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है और कुछ घटनाओं को बेहतर तरीके से समझाने के लिए नाट्य रूपांतरण का इस्तेमाल किया गया है। भैया, पूजा के लिए देरी हो रही है, पापू को जाने दीजिए। जनवरी 1948, बिरला भवन, दिल्ली। महात्मा गांधी की हत्या। हत्यारे का नाम नाथुराम विनायक गोडसे। गोडसे की बंदूक से उस शाम निकली गोलियों से दिल्ली के बिरला हाउस में वक्त मानो ठहर सा गया। इतिहास के पन्नों में एक अध्याय खत्म हो गया। लगभग 6 महीने पहले आजाद हुए भारत ने अपना महात्मा खो दिया। गांधी नहीं रहे, अहिंसा के पुजारी का हिंसक अंत हो गया। और अंत करने वाले ने कहा कि देश जिस गांधी को राष्ट्रपिता कहता है वो उसे देश के बंटवारे का दोषी मानता है, इसीलिए उसने गांधी को मार डाला। गांधी के उस हत्यारे को तो तभी फांसी हो गई थी, लेकिन गांधी की हत्या के 67 साल बाद आज भी कुछ लोग हैं जो उस हत्यारे को देशभक्त मानते हैं, जो गोडसे की मूर्तियां लगाना चाहते हैं, जो गोडसे के नाम पर शौर्य दिवस मनाते हैं। मुझे लगता है कि नाथुराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था, नाथुराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था, तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। ये एक राष्ट्रवादी आदमी थे नाथुराम गोडसे, और अपराधी में और राष्ट्रवादी आदमी में अंतर होता है। 30 जनवरी को पूरे देश भर के करीब 20 महानगरों में शौर्य दिवस मनाया जाएगा अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वाधान में, और अखंड भारत माता गोडसे मंदिर की स्थापना की जाएगी। हंगामा होने के बाद बीजेपी के साक्षी महाराज तो अपने बयान से पलट गए, लेकिन हिंदू महासभा के लोग अब भी गोडसे के महिमा मंडन में लगे हुए हैं। आखिर क्यों? आखिर ये कौन सी सोच है जिसमें गोडसे हत्यारा नहीं बल्कि हीरो है? इस सोच का गोडसे से क्या संबंध? और इसीलिए ये सवाल भी उठता है कि क्या गांधी को मारने वाला सिर्फ गोडसे था, या गोडसे उस सोच का नाम है जिसने गांधी की हत्या की? आखिर कौन था नाथुराम गोडसे? घंटों मूर्ति के सामने बैठे रहना, ध्यान लगाना, एक बच्चे के लिए यह सब सामान्य नहीं था, लेकिन रामचंद्र का बचपन ऐसा ही था। 1910 में जन्मा रामचंद्र अपने मां बाप का पहला लड़का था जिसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके पहले परिवार के 3 लड़कों की बचपन में ही मौत हो गई थी। तब उसके माता पिता ने अपने इस लड़के को लड़की की तरह पालने का फैसला किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके परिवार के लड़कों पर अगर कोई संकट होगा तो वो खत्म हो जाएगा। जब नाथुराम गोडसे का जन्म होने वाला था तब उनकी माँ ने मंगत मांगी थी परमात्मा के सामने, प्रभो अगर ये लड़का है अगर होगा, अगर ये जिंदा रहेगा तो मैं उसका नाक में छेद दे दूंगी, और उसके अनुसार ये जीवित रहे इसलिए उनके नाक में छेद दिया गया। बस इतना ही था। पहले उनका नाम था रामचंद्र, जब नाक में छेद दिया तब उनको नाथुराम कहने लगे। नाथुराम के बाद उसके 3 भाई और हुए, लेकिन नाथुराम उन सबसे अलग था। शायद इसकी वजह थी उसका बचपन। तुषार गांधी के मुताबिक
बचपन के हालात ने ही नाथूराम के अंदर इतना आक्रोश भर दिया था जिसका असर बड़े होने तक बना रहा। जवान हुए तब भी उनको इश्यूज थे, एंगर के इश्यूज थे, वो सोशल स्किल्स नहीं थी, औरतों से घृणा थी उनको, वो अलहदा रहते थे। तो वो बचपन के जो हालात हुए थे उन्हीं के कारण आगे उनके ऊपर ये असर होना बहुत स्वाभाविक था। वहीं जाने माने समाज शास्त्री और मनोविश्लेषक आशीष नंदी का मानना है कि नाथूराम गोडसे के हत्यारा बनने की एक वजह वो माहौल भी था जिसमें वो पला बढ़ा। उनको लगा कि ये पुरुषत्व जाहिर करना चाहिए, यू हैव टू अफर्म योर मैस्कुलिनिटी। गांधी हत्या में दिस वाज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। नाथूराम ने अपनी पढ़ाई लिखाई पुणे में रहकर की। हालांकि स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा नाथूराम का मन पौराणिक कथाओं, धर्म ग्रंथों और इतिहास की पढ़ाई में लगता था। अंग्रेजी में फेल होने की वजह से वो मैट्रिक पास नहीं कर पाया। इसके बाद कुछ समय के लिए उसने बढ़ई का काम सीखा, लेकिन तभी उसके पिता का ट्रांसफर रत्नागिरी में हो गया। यही वो जगह थी जहां से नाथूराम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उन्हीं दिनों सावरकर को अंडमान से रिहा करके रत्नागिरी में क्षेत्र कारावास किया गया था, उस क्षेत्र में पाबंद वो रह रहे थे। अच्छा मौका नाथूराम जी को मिला कि वे सावरकर जी का दर्शन कर पाए। छोटी थी आयु, 16-17 साल की आयु थी, फिर सावरकर जी के यहाँ जाते थे, प्रणाम करते थे और कहते थे मैं कुछ मदद करूँ क्या। तो सावरकर जी को लिखने के लिए किसी युवक की आवश्यकता थी, तो नाथूराम जी जाते थे, जो सावरकर जी कहते थे वो लिख कर रखते थे। विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटेन में रहकर कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन इसी दौरान उन पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा, जिसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें काले पानी की सजा दी, यानी 50 साल के लिए पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में रहने की सजा। वहां रहकर सावरकर ने हिंदू धर्म और दर्शन पर काफी कुछ लिखा। हिंदुत्व शब्द को एक विचारधारा के तौर पर बढ़ावा देने वाले सावरकर ही थे। कई साल तक जेल में रहने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इस वादे पर छोड़ा कि वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और रत्नागिरी की सीमाओं में रहेंगे। रत्नागिरी में ही 1929 में पहली बार सावरकर और नाथूराम गोडसे की मुलाकात हुई। हिंदुत्व पर सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर नाथूराम ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। हिंदुस्तान का नागरिक जो भी है वो हिंदू कहे, इतना ही सावरकर जी का आदेश था, इतना ही कहना था, उन्होंने प्रतिपादित किया है उस ग्रंथ में। इस विचार से नाथूराम गोडसे बहुत ही प्रभावित है। जवानों को, नवयुवानों को जो है वो सावरकर बड़ा प्रभावित करते थे। और दूसरी बात ये थी कि जिन लोगों के मन में एक एक वर्ग इस देश में हमेशा से ये रहा है, जो उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है जहाँ किसी और को जगह नहीं है, ऐसा मानने वाले कई युवा थे। गोडसे ऐसे उनसे प्रभावित हुए थे कि हाँ, ये धरती जो है, ये धरती तो महज और पक्के तौर पे एक हिंदू राष्ट्रवादी के लिए ही बनी हुई भारत माँ है, और इसमें किसी और का रहना, अगर वो हिंदू नहीं है तो वो नहीं रह सकता। इससे ज़्यादा प्रभाव जो है वो हुआ था। उस वक्त देश में महात्मा गांधी का जादू था। लाखों लोग गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़ रहे थे। कहते हैं गोडसे भी कुछ समय के लिए इसका हिस्सा बना, छुआछूत के खिलाफ काम किया, लेकिन 20 साल के गोडसे को ज्यादा प्रभावित वो विचार करते थे जो हिंदुत्व की बात करते थे, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1948 में कोर्ट में बयान देते हुए गोडसे ने खुद कहा कि वो आरएसएस से जुड़ा था। 1932 में डॉक्टर हेडगेवार के भाषण से प्रभावित होकर मैं स्वयं सेवक के तौर पर संघ से जुड़ गया। कुछ सालों तक महाराष्ट्र में मैंने उसके बौद्धिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कुछ समय तक हिंदुओं के उत्थान से जुड़े काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे हिंदुओं के न्याय संगत अधिकारों की रक्षा के लिए
देश की राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए मैंने संघ को छोड़कर हिंदू महासभा से जुड़ गया। हिंदू महासभा के काफी कार्यकर्ता आरएसएस से ही आते थे और जबकि उनका काफी निकट संबंध भी था, मगर आरएसएस का एक धोरण ऐसा था कि जो राजनीति में सक्रिय है वो आरएसएस में सक्रिय नहीं रहते थे। तो इस हिसाब से जब नथुराम गोडसे हिंदू महासभा का काम करने लगे, वो पूना के मंत्री भी थे, तो ये तो स्पष्ट है कि वो तो पूर्ण रूप से हिंदू महासभा का ही काम कर रहे थे। गोडसे और आरएसएस के रिश्ते को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। आरएसएस गोडसे से अपने संबंधों को नकारता रहा है। गोडसे ने अपने बयान में यही कहा कि गांधी की हत्या के वक्त आरएसएस से उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन गोपाल गोडसे, नाथुराम गोडसे के छोटे भाई ने जेल से रिहा होने के कई साल बाद फ्रंटलाइन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि नाथुराम गोडसे ने आरएसएस कभी नहीं छोड़ा था। नाथुराम आरएसएस में बौद्धिक कारवाह बन गए थे। उन्होंने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात इसलिए कही क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गुलवरकर और आरएसएस के लिए परेशानियां बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने आरएसएस छोड़ी नहीं थी। जब शुरू में जितना वे काम करते थे उतना समय वो नहीं दे पाए संघ को, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया था संघ का, तो वो संघ के प्रतिनिधि संयोजक थे ही, इसलिए आखिर में जब उनको फांसी चढ़ाने को ले जाने थे तब नमस्ते सदा वो जो प्रार्थना है संघ की वो उनके कंठस्थ वो उन्होंने वहाँ गाई थी। मतलब है कि संघ के विचारधारों से वे भी प्रभावित थे, ये बात सही है। गुटसे संघ को हिंदू युवकों की ऊर्जा को बर्बाद करने वाला एक संगठन मानता था। उनकी जो अपेक्षा थी उनकी अपेक्षा के अनुकूल संघ काम नहीं कर रहा था, और हिंदू महासभा में ऐसे सैकड़ों लोग थे जो संघ से अपनी कल्पना के अनुसार संघ से काम करने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन संघ अपनी एजेंडे के आधार पर काम कर रहा था। इसलिए गोडसे और संघ का संबंध 1932 के बाद नहीं रहा, और 32 से पहले भी बहुत थोड़े समय के लिए संघ की शाखा में आए थे। इस बीच गोडसे के पिता रिटायर हो गए और पूरा परिवार महाराष्ट्र के सांगली में रहने लगा। परिवार का खर्चा चलाने के लिए नाथुराम ने दर्जी का काम सीखा और सांगली में अपनी दुकान खोली। घर वालों ने शादी के लिए कहा तो गोडसे ने साफ इनकार कर दिया। जब वीर सावरकर अंडमान में थे तो अंडमान में आम कैदियों को 5 साल बाद वहीं घर बसाने की अनुज्ञा मिलती थी ब्रिटिशों की तरफ, तो सावरकर जी उनको समझाते थे उन कैदियों को कि आप वहाँ अपना घर बसाइए, अपने बाल बच्चे होने दीजिए, खेती का काम कीजिए, लेकिन पहला बच्चा जो होगा वो देश के लिए दे दीजिए, सेना में भर्ती कीजिए या देश के लिए समर्पित कीजिए। ये जो सावरकर जी की शिक्षा पद्धति थी उसका असर नथुराम जी पर था, और इसलिए उन्होंने प्रण किया था कि मैं बड़ा लड़का हूँ, मैं देश के लिए अपना आयु समर्पित कर दूंगा। मेरे जो छोटे भैया थे उनकी शादी यथावत होने दीजिए, ऐसा उन्होंने अपने माता पिता को कहा था। 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की सरकार बनी और इस सरकार ने सावरकर पर लगे प्रतिबंध खत्म कर दिए। इसके बाद सावरकर ने महाराष्ट्र यानी तब के बॉम्बे स्टेट का दौरा करने का फैसला किया। जब सावरकर सांगली पहुंचे तो वहां उनके कार्यक्रम आयोजित करने की कमान गोडसे ने संभाली। रत्नगिरी में बने रिश्ते सांगली में और मजबूत हुए। सावरकर की विचारधारा से प्रभावित गोडसे औपचारिक तौर पर हिंदू महासभा के साथ जुड़ गया। उसने सांगली छोड़कर सावरकर के साथ दौरे पर जाने का फैसला किया। 1938 में हिंदू महासभा ने हैदराबाद के निजाम और रजाकारों के खिलाफ मार्च निकालने की घोषणा की। तब गोडसे ने इस मार्च के पहले जत्थे का नेतृत्व किया। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस वक्त सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन चुके थे और गोडसे उनका कट्टर समर्थक।
1939 में हैदराबाद जेल से बाहर आने पर गोडसे मुसलमानों और गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की सोच के सिद्धांत के खिलाफ हो चुका था। जेल से बाहर आने के बाद गोडसे ने अपने परिवार के पास जाने के बजाय पुणे में रहकर हिंदू महासभा का काम संभाल लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो मरते दम तक उसके साथ रहने वाला था, नारायण दत्तात्रेय आप्टे। अहमदनगर में हिंदू महासभा का काम देख रहा आप्टे गोडसे से एक साल छोटा और स्वभाव में उससे बिल्कुल अलग था, लेकिन हिंदुत्व को लेकर दोनों के विचार एक जैसे थे। सावरकर उस वक्त हिंदू महासभा को मजबूत संगठन के तौर पर स्थापित करने में लगे थे। मनोहर मलगांवकर ने अपनी किताब द मैन हू किल्ड गांधी में लिखा है कि सावरकर उस वक्त एक ऐसा दल भी बनाना चाहते थे जो उन कामों में लग सके जो एक राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। 1942 में गोडसे और आप्टे इसी दल का हिस्सा बने जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र दल। हिंदू राष्ट्र दल में वीर सावरकर जी का विचार, उनका प्रचार प्रसार करना एक था, और संघ के शाखाओं में राजनीति वर्जित थी, जहाँ हिंदू राष्ट्र दल में राजनीति वर्जित नहीं थी वहाँ उस पर चर्चा यानि परिसंवाद वगैरह होते थे, इसलिए थोड़ा सा अलगपन उसमें और इसमें है। 1942 में गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। कांग्रेसी नेताओं की गैर मौजूदगी और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन देने की मुस्लिम लीग की रणनीति ने जिन्ना को मौका दे दिया अंग्रेजों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का। मुस्लिम लीग का बढ़ता प्रभाव हिंदू महासभा और उसके नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था। वो इसके लिए कांग्रेस की कमजोर नीतियों को जिम्मेदार मान रहे थे। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में छपे एक लेख में लिखा है कि सावरकर ने गांधी की आलोचना करते हुए उन्हें कमजोर और कायर तक कह डाला था। सावरकर जी ने भी गांधी जी की काफी आलोचना की है, उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण की आलोचना की है। सावरकर जी का कहना था कि किसी भी आदमी को देश पे प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि गांधी बोलते थे कि मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे बताएगी और मैं उससे चलूंगा। तो सावरकर जी का यह मूलतः विरोध था कि आप देश पे प्रयोग नहीं कर सकते। तो काफी इनके दोनों के अनुयायी भी एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, गांधीवादी भी सावरकर के कट्टर विरोधी थे, और वो तो स्पष्ट रूप से तो गांधी के वो तो वैचारिक विरोधी थे ही। तो वो पढ़ के नथुराम जी प्रभावित हुए। गांधी को लेकर सावरकर के विचारों का असर गोडसे पर भी था, इसलिए उसने सावरकर और हिंदू महासभा की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक अखबार निकालने का फैसला किया। इस तरह 1944 में शुरुआत हुई अग्रणी नाम के उस अखबार की, जिसका संपादक नाथुराम गोडसे बना। गोडसे और आप्टे ने अखबार शुरू करने के लिए सावरकर से 15,000 रुपए लिए। यही नहीं, अखबार पर सावरकर का फोटो भी छापा गया। अखबार निकालने के दौरान गोडसे और आप्टे की नजदीकियां बढ़ती गईं। अखबार की भाषा और खबरों की वजह से कई बार उस पर जुर्माना लगाया गया। फिर भी अखबार उग्र तरीके से हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता रहा। जब सरकार ने उस अखबार को बंद करने का आदेश दिया तो गोडसे ने अग्रणी के बजाय हिंदू राष्ट्र के नाम से अखबार निकालना जारी रखा। उस अखबारों की भाषा बहुत हिंसा को प्रेरणा देने वाली थी, घृणा को फैलाने वाली थी, वो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने वाली, दूसरों को वो गैर कांग्रेसियों को कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ उकसाने वाली, बापू की टिका ही नहीं पर उनको धमकियां देने वाली भाषा वगैरह उसमें होता था। और गोडसे की भाषा बहुत अश्लील हुआ करती थी। वो सावरकर की जो भाषा थी वो बहुत पॉलिश्ड, मैसेज दोनों का एक होता था, लेकिन सावरकर बोलते थे तो बहुत ही पॉलिश्ड भाषा में बोलते हैं, गोडसे जब लिखते थे तो बहुत क्रूड, जिसको बोलते हैं उसको। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने अपनी किताब लेट्स किल गांधी में लिखा है कि 1944 में ही गोडसे और आप्टे ने पहली बार गांधी पर हमले की कोशिश की। गांधी तब जेल से रिहा होकर पुणे के पास पंचगनी में ठहरे हुए थे। तब गोडसे और आप्टे ने अपने दल के साथियों के साथ
वहां प्रदर्शन किया और गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। गांधी जी, गांधी जी। लेकिन एक दिन शाम को प्रार्थना सभा में वो लोग पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, तो उनसे ये कहा गया कि भाई आपको नारेबाजी करनी है तो आप जाइए, क्योंकि यहाँ हम सब बापू की प्रार्थना सुनने आए हैं। तो बाकी तो सब निकल गए प्रार्थना की जगह से। नथुराम गोडसे थोड़ी दूर जाने के बाद एकदम से मुड़ के दौड़ के बापू की तरफ आए। उन्होंने देखा कि नथुराम ये युवा भाग के आ रहा है बापू की तरफ और उसके हाथ में कुछ है, ऐसा एहसास उनको लगा, तो उन्होंने उसका रास्ता रोका और तब उनको पता चला कि उसके हाथ में खंजर था और फिर उसको पकड़ के बापू के पास ले गए कि अब इसका क्या किया जाए। तो बापू ने कहा कि नहीं, उसको तकलीफ मत दो, तो छोड़ दो। जिस अहिंसा और सत्याग्रह को गांधी की ताकत माना जाता है, एक ऐसी ताकत जिसके आगे अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था, जिस गांधी की एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता था, वही गांधी कुछ हिंदू संगठनों को अखरने लगे थे। आखिर क्यों? क्या गांधी का यह सोचना गलत था कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहिए, या गांधी का यह मानना गलत था कि बहुसंख्यक होने के नाते हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए? गोडसे जिस विचारधारा का समर्थक था, वो विचारधारा गांधी की इस सोच को मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देती थी। तो क्या यही विचारधारा गांधी की हत्या की वजह बनी? आखिर गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? गोडसे ने कोर्ट के सामने दिए अपने बयान में गांधी की हत्या की जो वजह बताई, उनमें प्रमुख थी गांधी का मुसलमानों की तरफ नरम रवैया, बंटवारे के लिए गांधी को जिम्मेदार मानना और भारत सरकार पर पाकिस्तान को इसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाना। पिछले 50 साल से संघ और जो वो उनके हत्यारों की विचारधारा है, उन्होंने उनकी हत्या को जस्टिफाई करने के लिए झूठ का प्रचार पुरजोर से चलाया है। बापू के ऊपर कई प्रकार के आक्षेप डाल के उस हत्या को जस्टिफाई करने की उन्होंने भरपूर चेष्टा की है। जो भी निर्णय हो रहा था वो सामूहिक निर्णय हो रहा था और उसी सामूहिकता के आधार पर निर्णय हो रहा था, उसमें किसी एक व्यक्ति को इंगित करना उसके साथ नाइंसाफी होगी, चाहे महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो या सरदार पटेल हो। स्वतंत्रता आंदोलन को हमने सामूहिकता के आधार पर लड़ा, वैचारिक मतभेद थे लेकिन अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजा जाए इस पर मतभेद नहीं था। इसलिए ये जो मुद्दे उठे, उन मुद्दों की अलग अलग प्रतिक्रिया हुई, उसमें से एक नाथुराम गोडसे की प्रतिक्रिया थी जो गलत थी। तुषार गांधी के मुताबिक दो राष्ट्रों की बात जिना के अलावा अगर किसी ने की थी तो वो थे सावरकर। उनके मुताबिक 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा का अध्यक्षीय भाषण देते हुए सावरकर ने कहा कि भारत में दरअसल दो देश हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। वो पब्लिक में पहली बार उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक देश है वो एक देश नहीं, उसमें दो देश है, एक मुसलमान देश है और एक हिंदू देश है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते। तो बंटवारे की नींव अगर रखी गई हो तो उसमें जिन्ना नहीं थे, उसमें सावरकर थे। उनका कहना था कि भारत में हिंदू ही एक राष्ट्र है और बाकी माइनॉरिटीज है। अब जब मुसलमान एक राष्ट्र है, उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुसलमान भारत में एक राष्ट्र है। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान पूरे दुनिया में, तो वो खुद को मानते हैं मुसलमान, कि जो भी मुसलमान है, मुस्लिम इटसेल्फ इज अ स्टेट। उधर जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश की जिद पर अड़े हुए थे। इस मांग को मनवाने के लिए 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई की बात कही, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लीग के समर्थकों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बंगाल के नोआखली में देखा गया। लेकिन हिंदू संगठन जिस गांधी पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाते रहे, वही गांधी नोआखली में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रुकवाने के लिए कई हफ्तों तक वहां रहे। नोआखली में जब अभी जो बांग्लादेश है, तो उसी में जब हिंदुओं को निकाल के मार काट कर करते थे आजादी के थोड़ा कुछ दिन पहले, तो गांधी अकेले वॉक करते थे और उनके साथ में उनकी एक पोती और एक दो लोग थे, और गांधी जी ने पूरा नोआखली में भी वो मुस्लिम लोगों को वहां शांत किया था। तो गांधी को हिंदू मुस्लिम में नहीं मानते थे, मानवता में मानते थे, हिंसा के खिलाफ थे।
उधर हिंदुओं की मदद के नाम पर हिंदू महासभा और उसके संगठन के लोग भी उस दौर में नोआखली पहुंचने लगे। उन्हीं में से एक था विष्णु करकरे। करकरे ने नोआखली में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें छपवाने के लिए गोडसे और आप्टे से संपर्क किया और तब से वो तीनों आगे की योजनाओं में भी साथ हो गए। गोडसे और आप्टे इस वक्त तक अखबार चलाने के साथ साथ हथियारों को इकट्ठा करने के काम में भी लग चुके थे, क्योंकि उनकी नजर में हथियारों और हिंसा के बिना हिंदुओं की रक्षा नहीं हो सकती थी। सबसे बड़ा कार्य उन्होंने अगर किया हो तो जो मुसलमान रहते थे गांवों में शहरों में, उनको आतंकित करके उनको भगाना, उनको उनके काम धंधों में से हटाना, उनकी जायदादों में से हटाना, ये काम वो ज़्यादा करते थे। और हथियार का आखिरी इस्तेमाल तो उन्होंने बापू पे ही किया। जी, महात्मा गांधी जी की हत्या करने के लिए इतनी शस्त्रों की क्या आवश्यकता थी? क्या वो सेना से मुकाबला नहीं करने जा रहे थे? तो ये शस्त्र जो इकट्ठा किए थे, ये युवा पीढ़ी को बल संपन्न बनाना, उनको शस्त्र चलाने को चलाने की शिक्षा देना, यही उनका उद्देश्य था। उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। इस माहौल में कट्टर हिंदूवादी संगठनों का समर्थन बढ़ने लगा। गोडसे और आप्टे जैसे लोगों को पीछे से मदद देने वालों की संख्या बढ़ रही थी। इसी का नतीजा था कि जिस गोडसे के लिए जुर्मानों की वजह से अपना अखबार चलाना मुश्किल हो रहा था, उसने इस वक्त तक पुणे में अपने अखबार के लिए अलग दफ्तर और प्रिंटिंग प्रेस भी ले ली। 1947 वो साल जब देश को आजादी मिली, लेकिन आजादी के साथ मिला बंटवारे का जख्म, दंगों का दर्द। मुस्लिम लीग की जिद और अंग्रेजों की चाल ने 1947 में देश के दो टुकड़े कर दिए। जाहिर है आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं में कोई भी यह नहीं चाहता था, लेकिन गोडसे और उसके जैसे तमाम कट्टर हिंदू समर्थकों ने इस बंटवारे के लिए गांधी को जिम्मेदार मान लिया। एक तरफ आजादी का जश्न और दूसरी तरफ बंटवारे की वजह से हुए दंगों का दर्द। भारत में पंजाब से लेकर दिल्ली और बंगाल तक दंगे फैले हुए थे। आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को गांधी दिल्ली से दूर कलकत्ता में उपवास पर थे। गांधी ने बार बार इन दंगों को रोकने की अपील की। शायद वो जानते थे कि बंटवारे का यही अंजाम होगा। इसीलिए मार्च 1947 में गांधी ने कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारे को स्वीकार करना चाहती है तो ऐसा मेरे मृत शरीर पर होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी भारत के बंटवारे के लिए तैयार नहीं होऊंगा। लेकिन ना गांधी बंटवारे को रोक पाए और ना उसके बाद हुए दंगों को। अगर वे चाहते रोकना तो वह सीधे अनशन पर बैठते। जैसे जैसे वे अनशन पर बैठ गए, वैसे वैसे मंत्रिमंडली ने भी उनका निर्णय में परिवर्तन लाया है, तो वो ये कर सकते थे, तो ये उन्होंने नहीं होने दिया, रोका नहीं विभाजन। इसलिए उनको नाथूराम जी ने जिम्मेदार ठहराया है। पार्टीशन का जब प्रश्न आया तो गांधी को मालूम नहीं था, और माउंटबेटन ने तो ये अंग्रेज लोग डिवाइड एंड इसमें मानते थे रूल में, तो उन्होंने फिर दोनों को अलग अलग बुला के उन्होंने मान्य किया। गांधी जी को बाद में मालूम पड़ा कि दोनों ने समझौता कर लिया है, और फिर गांधी जी ने दबाव नहीं डालने का इसलिए कहा, जब हिंदुस्तान की जनता जो है तो ये दबाव डाल के मैं करूंगा क्या, जब वो नहीं समझती है और नहीं चाहती है। और गांधी प्रेम और अहिंसा में मानते थे, दबाव में नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने फिर इस बात को छोड़ दिया। पर आखिरी तक गांधी जी ने ये कबूल नहीं किया था कि मैं इसमें नहीं मानता हूं। तुषार गांधी के मुताबिक आखिरी कुछ सालों में गांधी अकेले पड़ गए थे। कि एक उदासीनता इस कारण भी थी कि जिन्हें उन्होंने अपना अपने हमदर्द सहविचारी माना था, वो लोगों ने भी कई हद तक उनसे किनारा कर लिया था। उनका एक बहुत ही उन दिनों का एक बहुत व्यथित वक्तव्य था, जब उन्होंने ये कहा था कि एक मुझे अपना शिष्य कहता है और दूसरा मुझे अपना बेटा कहता है, पर आज दोनों मेरी सुनते नहीं है। ये एक बहुत ही उदास
और एक निराश इंसान की के स्टेटमेंट थे जिन्होंने उस प्रेजेंट को और फ्यूचर को देख लिया था और उसमें उन्होंने ये देख लिया था कि उनके लिए कोई जगह रह नहीं गई। गांधी की हत्या गोडसे ने भले ही 1948 में की, लेकिन क्या कांग्रेस उससे पहले ही गांधी से किनारा कर चुकी थी? क्या कांग्रेस के लिए गांधी सिर्फ एक नाम थे जिसे लेकर वो सत्ता में थी? क्या यही वजह थी कि गांधी बंटवारे का विरोध करते रहे लेकिन कांग्रेस पर उसे न मानने का दबाव नहीं बना पाए? जब उन्होंने देखा है कि सारे सब लोगों की कोई इच्छा नहीं है, तो दबाव डालने का मतलब ये ना, कोई प्रेशर के डिक्टेटरशिप तो उनको करनी नहीं थी। प्रेम से समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने नहीं माना। जो उस समय कांग्रेस के लोग थे तो सबको पावर मिलता था तो गया, और आखिर में गांधी ने 2 दिन पहले जवाहरलाल जी और नेहरू को उनका आखिरियत वसीयतनामा भी लाए, उनमें लिखा था कि कांग्रेस आजादी के लड़ाई के लिए थी, अभी सत्ता के लिए नहीं है, उसका विसर्जन कर दो, उसको लोक सेवक सेवा के कामों में लगा दो और जिसको जो नया पक्ष बनाना है वो बनाओ, वो तो डॉक्यूमेंट्स है। एक तरफ देश में दंगे हो रहे थे तो दूसरी तरफ गोडसे, आप्टे और उनके बाकी साथियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जल्द से जल्द किसी ऐसी घटना को अंजाम देना चाहते थे जिससे वो अपने उन साथियों को खुश कर सके जो उन्हें पैसे और हथियारों की मदद दे रहे थे। उनकी योजनाओं में पाकिस्तान को उसके हिस्सों में हथियार पहुंचाने वाली ट्रेन पर हमला और हैदराबाद के ऑक्ट्रॉय पोस्ट को लूटने जैसी चीजें शामिल थी। पुणे में हिंदू राष्ट्र अखबार के दफ्तर में ही गोडसे और उसके साथी इकट्ठा होकर योजनाएं बनाया करते थे। उधर दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे थे। Delhi bog tension hai. If this doesn't stop, I believe it will lead to civil war. Main sochta hu kya kar sakte hain. I'm going. Mountbatten se mulaqat ke baad Mahatma Gandhi ne usi sham apni prarthna sabha mein logon se Delhi mein sampradayik sauhard banane ki appeal ki. Unhone kaha jab tak Delhi mein halaat nahi sudharte, wo amaran anshan par baithenge. Pune mein Hindu Rashtra ke daftar mein maujood Godse aur Apte ko bhi Gandhi ke anshan ki khabar mili. तुषार गांधी के मुताबिक उसी दिन उन्होंने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। अब उनको लगा कि ये बहाना मिल गया, अब इसको कारण बना के हम ये कह सकते हैं कि ये जो उन्होंने किया, ये उपवास के कारण हम बहुत नाराज हो गए, उनको मार दिया हमने, ये मंशा था। इसके लिए एक बहाना उनको मिलेगा। उन्होंने तो पहले नहीं तो पंचकिनी और सेवाग्राम में क्यों मारने गए थे बापू? तभी तो कोई बात नहीं थी, अनशन की बात नहीं थी, ना 55 करोड़ की बात थी, ना बंटवारे की बात थी। नाथूराम गोडसे के मन में क्या चल रहा था ये जल्द ही सबको पता चलने वाला था, लेकिन एक बात तो साफ थी कि वो अपनी योजना बना चुका था, क्योंकि 13 और 14 जनवरी को उसने अपनी 2 जीवन बीमा पॉलिसी में से एक में नारायण आप्टे की पत्नी और दूसरी में अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे की पत्नी का नाम लिखवा दिया। मतलब साफ था कि वो ऐसा कुछ करने वाला था जिसमें खुद गोडसे, आप्टे और गोपाल गोडसे की जान को खतरा था। शायद ये हो सकता है, क्योंकि वो तो बचने वाले नहीं थे, उनको पता था। गोडसे ने कोर्ट में दिए अपने बयान में गांधी की हत्या की एक वजह ये बताई थी कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का दबाव बनाया। ये बात सही है कि गांधी सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन यह भी सही है कि गांधी के अनशन के दौरान ही भारत सरकार ने पैसे न देने का अपना फैसला बदला और कैबिनेट ने पाकिस्तान को वो रकम देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। लेकिन गांधी ने खुद कभी इसे अनशन खत्म करने की शर्तों में शामिल नहीं किया, इसलिए सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की बातें सिर्फ गांधी की हत्या को सही ठहराने के बहानों के तौर पर कही जा रही थी। 55 करोड़ पाकिस्तान, ये सारे बहाने बाद में सोचे गए। जब ये पता गोडसे ने कृत्य कर लिया और वो कारावास में थे और ये जानते थे कि अब गोडसे के ऊपर फोकस होगी स्पॉटलाइट, तो सावरकर ने और गोडसे ने मिल के ये पूरा एक वो जस्टिफिकेशन का चिट्ठा लिखा, ताकि आने वाली नस्लों को ये बताया जाए कि गोडसे कितना महान देशभक्त था, उसने कितना महान देशभक्ति का काम किया और बापू कितने देशद्रोही थे, अगर उनको जिंदा रहने दिया जाता तो वो देश का कितना बड़ा नुकसान करते। ये सब हत्या के बाद सोची गई बातें हैं। हत्या तो करना उनको
उनका मकसद पहले से था। गोडसे का नाम इसलिए हो गया कि उसने एक महापुरुष की, एक राष्ट्रपिता की हत्या की, अन्यथा गोडसे एक स्थानीय स्तर का सामान्य कार्यकर्ता था जो वैचारिक रूप से न परिपक्व था, न संगठनात्मक रूप से किसी हिंदू महासभा में भी किसी ऊंचे पद पर था। इसलिए गोडसे को उस रूप में प्रोजेक्ट करना कि किसी वैचारिक सोच के आधार पर काम कर रहा था, मैं गलत मानता हूँ। वो तात्कालिक कारण थे, उत्तेजना थी और ये बहकावा था उसका व्यक्ति, ये कुछ लोगों का यह बहकावा था, यह इसके पीछे कोई सोच, कोई साजिश, कोई विचारधारा काम कर रहा था, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई, लेकिन उससे पहले 20 जनवरी को भी एक असफल कोशिश हुई थी और वो कोशिश भी उसी योजना का हिस्सा थी जो गोडसे ने अपने साथियों के साथ बनाई थी। 20 जनवरी को दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा की प्रार्थना सभा में बम फेंका गया और पुलिस ने इस आरोप में मदन लाल पाहवा नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया। 20 जनवरी को यह हुआ और 21 जनवरी को महाराष्ट्र यानी तब के बॉम्बे स्टेट में गृह मंत्री मोरारजी देसाई को यह जानकारी मिल चुकी थी कि मदन लाल पाहवा के साथ कुछ और भी लोग हैं जो गांधी की हत्या के मकसद से निकले हुए हैं। यानी दिल्ली और मुंबई पुलिस को यह जानकारी थी, गांधी की हत्या की योजना की अहम जानकारी थी, लेकिन फिर भी 10 दिन बाद नाथूराम गोडसे कामयाब हो गया। प्रश्न उठते हैं उसमें, कहीं जाके लगता है कि नाथूराम ने भले गोलियां छोड़ी हो लेकिन ऑफिशियल सपोर्ट के बगैर वो कामयाब नहीं हो पाता। दस दिन पहले उसी जगह पे उसी वक्त ऑलमोस्ट उसी तरीके से बापू को मारने की उन्हीं लोगों ने चेष्टा की, वो नाकामयाब रहे। उनमें से एक, उनका जो सहभागी था वो पकड़ा गया। उसने फौरन पुलिस को उस पूरे साजिश के बारे में जानकारी दी और वो ये दोहरा रहा था कि वो वापस आएगा। ये बात उसने दोहराना बंद नहीं की। उसने यहाँ तक कि उस गट में शामिल सारे एक्यूज्ड के बारे में किसी न किसी तरह से पहचान का प्रमाण पुलिस को दिया। ये सवाल अक्सर उठता है कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही की वजह क्या थी। सरदार पटेल और नेहरू ये कहते रहे कि गांधी ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने से मना कर दिया था, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि इतनी जानकारियों के साथ 10 दिन तक पुलिस केवल छानबीन करती रही और गोडसे अगले हमले की तैयारी करता रहा। इस बीच वो दिल्ली से कानपुर, बम्बई, ग्वालियर और फिर दिल्ली के बीच घूमता रहा, पर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। इसलिए ये सवाल उठता है कि गांधी की हत्या के जुर्म में जिन लोगों को सजा हुई, क्या उनके अलावा और भी लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे? कपूर कमीशन की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो एक ताज्जुब की बात यह होती है कि अलवर जो राजस्थान में है, वहां 30 जनवरी की दोपहर को 12 बजे पब्लिक में पैम्फलेट्स बांटे गए थे जिसमें बापू की हत्या की अनाउंसमेंट की गई थी कि गांधी को मार दिया है और आप जश्न मनाइए, ऐसे पैम्फलेट्स छपे हुए मिले थे। जबकि बापू की हत्या 30 तारीख को शाम को 5:17 को हुई थी, 12 बजे अलवर में खबर कैसे पहुंच गई ये इसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। सिर्फ इतना पता चला कि वो जो पैम्फलेट था वो अमृतसर से छप के अलवर गया था, यानी इतनी प्रखर नॉलेज थी। फिर भी ऐसे लगा कि जैसे पुलिस और जो तंत्र था वो उस चीज को नजरअंदाज किए जा रहा था। गांधी की हत्या के बाद सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस मामले में आरएसएस को क्लीन चिट देते हुए हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया था। गांधी की हत्या के जुर्म में गोडसे के अलावा जिन लोगों पर हत्या की साजिश का मुकदमा चला, उनमें गोडसे के गुरु विनायक दामोदर सावरकर का भी नाम था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस साजिश में शामिल उसके दूसरे साथी
विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा और गोपाल गोडसे को उम्र कैद की सजा हुई। वहीं नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। गांधी पर गोलियां चलाने वाला गोडसे था, कोर्ट में अपने गुनाह को कबूल करने वाला गोडसे था, गांधी की हत्या के जुर्म में फांसी चढ़ने वाला गोडसे था। तो फिर वो लोग कौन हैं जो आज भी गोडसे की वकालत कर रहे हैं? वो लोग कौन हैं जो आज उसकी मूर्ति लगवाना चाहते हैं? ये कौन सी सोच है, ये कैसी सोच है जो एक हत्यारे को देशभक्त साबित करने में लगी है? क्या यही सोच थी जिसने गोडसे को गांधी का हत्यारा बना दिया है?